और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड के बड़े नेता और बीजेपी सरकार के मंत्री रहे हरक सिंह रावत बीजेपी से निकाले जाने के बाद आज रो पड़े। पार्टी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह आज मीडिया से बात कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू छलक गए। रावत ने कहा कि कांग्रेस से उनकी मीटिंग की खबर फर्जी थी, मनगढ़ंत खबर को आधार बनाकर उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया है। हरक सिंह रावत ने अब कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान भी किया है। चुनाव से पहले उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर है ये। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। बीजेपी ने भी उन्हें 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया हुआ है और पार्टी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जब इंडिया टीवी से बातचीत हो रही थी तब वो बोल रहे थे कि अगली बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन आंखों से जो आंसू छलके हैं उसके क्या मायने हैं, ये सबसे बड़ा सवाल अब रहेगा। हरक सिंह रावत को पार्टी से निकालने पर बीजेपी ने अपना पक्ष भी रखा है। बीजेपी ने कहा कि हरक सिंह रावत अपने परिवार के लिए टिकट की जिद कर रहे थे, लेकिन बीजेपी एक परिवार में एक ही को टिकट देने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी वंशवाद को बढ़ावा नहीं देती है। जवाब में हरक सिंह रावत ने कहा कि उनकी बहू को टिकट मिले ये जनता चाहती थी, वो जनता के बीच काम कर रही थी, लोगों की डिमांड थी कि उनको टिकट दिया जाए। हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। अब देखिए, अपना मुंह छिपाने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, भाई ये बिल्कुल फर्जी है। मैंने इनसे कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि अनुकृति चुनाव जीत सकती है, समाज में उसने अच्छा काम किया है, आप उसको मौका दे दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मैंने प्रेशर बनाया था। अभी 3000 दिन पहले ऐसी बातचीत हुई, मैंने कहा, मैंने प्रहलाद जोशी कहा भाई साहब मैं वहां लहसुन गया हूं, उस जंगल में मैंने कहा लोग इतना उत्साह था लोगों में, 5000 महिलाएं थी, उनके चेहरे पे चमक थी, उन्होंने मुझसे कहा है कि नहीं अनुकृति को चुनाव लड़ाओ। तो मैंने कहा कहले आपने पहले क्यों नहीं कहा, मैंने कहा मैं खुद जब मुझे देखे मैंने कहा मैं खुद नहीं, मुझे मालूम था कि इस लड़की ने इतना अच्छा काम किया हुआ। अब हरक सिंह रावत पर 3 बड़ी खबरें भी आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि उन्हें धामी कैबिनेट से बर्खास्त किया गया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। और तीसरी बड़ी खबर है कि हरक सिंह रावत ने अब कांग्रेस में जाने का ऐलान कर दिया है। तो 3 ये बड़ी खबरें उनसे जुड़ी हुई है। और बीजेपी से हरक सिंह रावत की नाराजगी की वजह थी कि वो अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी एक परिवार में एक टिकट के फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी से निकाले जाने के बाद अब वो कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस में जाने से पहले दिक्कत यह है कि सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि हरीश रावत उनके विरोधी हैं और वो हरक से माफी की मांग कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस अब हरीश रावत को मनाने में लगी हुई है। हरक सिंह रावत पुराने कांग्रेसी हैं, 2016 तक वो कांग्रेस के साथी थे और 2016 में जो 9 विधायक हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत करने पे उतरे थे उनमें से ये भी एक शामिल थे, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2017 में जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन 6 साल बाद उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया, इसलिए हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में घर वापसी का ऐलान किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।